ओम शांति। वीसीडी नंबर 3507, मॉर्निंग क्लास 22/7/1968, क्लेरिफाइड ऑन 31/1/2021। आज क्या प्रातः क्लास है? 22 जुलाई 1968। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 22 जुलाई 1968, सोमवार को। पहला पेज। ऑन मंडे वी वर डिस्कसिंग द फर्स्ट पेज। सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं। द फादर ऑफ ऑल द सोल्स एक्सप्लेन्स टू ऑल द सोल्स। क्योंकि इट इज बिकॉज। ये सभी आत्माएं क्यों कहा? व्हाई वाज इट सेड ऑल द सोल्स। आगे चल करके बच्चे जानते हैं कि सर्व की सदगति दाता है एक ही बाप। इन फ्यूचर द चिल्ड्रन नो ओनली वन फादर इज द गिवर ऑफ ट्रू लिबरेशन टू ऑल। सर्व माना जो भी आत्माएं हैं। ऑल मीन्स ऑल द सोल्स। आत्म की स्थिति में स्थित होने वाली जीव आत्माएं ही कहेंगे। दोज हू स्टेबिलाइज इन द सोल कॉन्शियस स्टेज विल सर्टेनली बी कॉल्ड लिविंग सोल्स। क्योंकि जैसे उनको शरीर है ही नहीं। इट इज बिकॉज इट इज एज इफ दे डोंट हैव अ बॉडी एट ऑल। शरीर नहीं है तो आत्मा कुछ देख सुन नहीं सकती है। इफ देर इज नो बॉडी द सोल कांट सी और लिसन टू एनीथिंग। नहीं ना। इट कांट। कैन इट? भले ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, बाप की श्रीमत के अनुसार। Although they are establishing heaven according to the drama plan as per the father Srimad. पर बाप तो पढ़ाई करके फिर। But the father teaches and then। पढ़ाई पूरी हुई तो मैं कोई शरीर धारण ही नहीं करता। When the study completes, I don't take on any body at all. फिर शरीर के आधार से मैं देख ही नहीं सकता, बिगर देखे ही क्या कर सकूंगा। Then I can't see at all with the help of the body. What will I be able to do without seeing? ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वो जहां तहां है, मौजूद है, सर्वव्यापी है। यू शुडंट थिंक दैट ही इज प्रेजेंट हियर एंड देयर। ही इज ओमनी प्रेजेंट। तो सब कुछ देख सकता है? नहीं। सो ही कैन सी एवरीथिंग? नो। ओ सिर्फ देखता ही है आ करके। ही जस्ट सीज आफ्टर कमिंग। अपने बच्चों को देखता है। He looks at his children. जिनको फिर गुलगुल बनाए करके ये याद की यात्रा सिखाते हैं। Whom he makes pure and teaches the journey of remembrance. इस याद को आत्मा की यात्रा कहना चाहिए। This remembrance should be called the journey of the soul. पक्की पक्की यात्रा। The true journey. योग नहीं कहना चाहिए। It shouldn't be called yog. योग तो हठयोगियों के लिए है। Yog is for the hatyogis. या तो वो भक्तों के लिए है। Or those devotees. परंतु ये तो ईश्वरीय ज्ञान है और वो ईश्वरीय देने वाले ज्ञान देने वाले कोई अनेक गुरु नहीं है। However, this is the divine knowledge of God.
एंड देर आरंट मेनी गुरुज हु गिव द डिवाइन नॉलेज ऑफ गॉड। वो तो सिर्फ एक शिव बाबा ही होता है। इट इज ओनली वन शिव बाबा। उसको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। सच्चा सच्चा सतगुरु। He alone is called the ocean of knowledge, the true Sadguru. बाकी तो जो भी है वो सभी गुरु हैं। All the rest are gurus. कहते भी हैं सच्चा सदगुरु शिव भगवान। It is also said the true Sadguru is God Shiv. तो सच्चा एक सदगुरु तो बाकी क्या हुए? So when there is one true Sadguru, what are the rest? सच बोलने वाला तो एक ही है। There is only one who speaks the truth. सच खंड स्थापन करने वाला है। He is the one who establishes the land of truth. जिसे सतयुग कहा जाता है। Which is called the Satyug. देखो सतयुग में ये भारत सच खंड था और उसमें सभी देवी देवताएं निवास करते थे। लुक दिस भारत वॉज द लैंड ऑफ ट्रूथ इन द गोल्डन एज एंड ऑल द डेटीज रिसाइडेड इन इट। और तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर आज भी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। एंड यू चिल्ड्रन नो वी आर सर्टनली बिकमिंग डेटीज फ्रॉम ह्यूमन बींग्स इवन टूडे। और बाप कितना बच्चों को समझाते हैं कि अंदर बाहर सच्चे बनो। एंड द फादर एक्सप्लेन्स द चिल्ड्रन सो मच बिकम ट्रू इनसाइड एंड आउटसाइड। उसे एक सच्चे के साथ सच्चे बनो। Become true for that one who is true. ये जो झूठे गुरुओं के बच्चे कहेंगे रावण के बच्चे। The children of these false gurus will be called the children of Ravan. कदम कदम पर झूठ, कदम कदम पर विकार। It is because there is falsity in every step. There are vices in every step. So, अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। So, if you want to go to heaven, you will have to leave all these. और ऊंच पद तो पाना चाहते हो ना? And you do want to achieve a high position, don't you? भले स्वर्ग में जाने वाले तुम बच्चे बहुत हो परंतु ये तो समझते हो कि अगर बाप को याद कर सभी विकर्मों का विनाश नहीं करेंगे। Although you children who go to heaven are many, you do understand if you don't destroy all the wrong actions by remembering the father. और कोई नहीं कर सकते हैं। एंड सम कांट डू दैट। तो जरूर उनके विकर्मों का हिसाब किताब पूरा तो होगा। सो डेफिनेटली द अकाउंट्स ऑफ देयर रॉन्ग एक्शंस विल बी कंप्लीटेड। वो सजाएं खाए करके पीछे कमती पद पाएंगे। लेटर दे विल अटेन अ लो पोजीशन बाय सफरिंग पनिशमेंट्स। कम से कम बहुत कम से कम वेरी लो द लोएस्ट। तो ये बात बच्चों की बुद्धि में बैठती है। सो दिस सिट्स इन द इंटेलेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन। संगम युग पर जो राजधानी बच्चे यहाँ स्थापन हो रही है वो राजधानी न कलयुग में स्थापन हो सकती है। चिल्ड्रन The capital that is being established here in the confluence age, that capital can't be established in the iron age either.
न बाप आते हैं कलयुग में न सतयुग में। नीदर डज द फादर कम इन द आयरन एज नॉर इन द गोल्डन एज। वो तो आते ही है दोनों युगों का जब मेल संगम होता है। ही डज कम वेन देर इज द मीटिंग द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू एजेस। इसलिए इस संगम युग को कहा ही जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। दिस इज वाई दिस कॉन्फ्लुएंस एज इटसेल्फ इज कॉल्ड द पुरुषोत्तम बेनिफिशियल एज। क्योंकि सर्व पुरुष रूप आत्मा में उत्तम ते उत्तम आत्माएं जो विश्व की कल्याणकारी हैं वो प्रत्यक्ष होती है। इट इज बिकॉज द बेस्ट सोल्स अमंग ऑल मेल लाइक सोल्स हु आर वर्ल्ड बेनिफेक्टर्स आर रिवील्ड। तो इस युग में ही बाप आए करके सबका सारी दुनिया का कल्याण करते हैं। सो द फादर कम्स इन दिस वेरी एज एंड ब्रिंग्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ एवरी वन द एंटायर वर्ल्ड। कल्याण गाया तो हुआ है ना। एंड दैट वेलफेयर इज सर्टनली प्रेज्ड इजंट इट। कल्याण अभी प्रैक्टिकल में होने वाला है। द वेलफेयर दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन प्रैक्टिस नाउ। ये भी बुद्धि में समझते हो। ये से कलेह क्लेश के युग के बाद ही फर्श सतयुग आने का है। यू ऑल्सो अंडरस्टैंड थ्रू द इंटेलेक्ट दैट द गोल्डन एज विल अराइव ओनली आफ्टर दिस एज ऑफ क्वारल्स एंड डिस्प्यूट्स। इसलिए सतयुग और कलयुग के बीच में संगम युग तो जरूर चाहिए। दिस इज वाई द कॉन्फ्लुएंस एज इज सर्टनली रिक्वायर्ड बिटवीन द गोल्डन एज एंड द आयरन एज। बाप कलयुग में नहीं आते। द फादर डजंट कम इन द आयरन एज। अर्थात क्लेश की दुनिया में प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं लेते। इट मीन्स ही डजंट हैव हिज रेवलेशन लाइक बर्थ इन द वर्ल्ड ऑफ क्वारल्स एंड डिस्प्यूट्स। सतयुग में भी नहीं आते। ही डजंट कम इन द गोल्डन एज एज वेल। या तो आकर के उसमें प्रवेश करें। Or else he should come and enter him. बाप ने समझाया कि पतित पराई दुनिया है कलयुगी। It is because the father has explained this iron age is an impure alien world. और गाते भी हैं बरोबर। दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। एंड दे सर्टनली सिंग एज वेल द रेजिडेंट ऑफ अ फार ऑफ लैंड हैज कम टू एन एलियन वर्ल्ड। कौन सा देश? विच इज द फार ऑफ लैंड? जहां आत्मा ही रहती है। वेयर ओनली द सोल्स रिसाइड। आत्मलोक। द सोल वर्ल्ड जिसे मुसलमान अर्श कहते हैं। विच द मुस्लिम्स कॉल अर्श। क्रिश्चियंस सुप्रीम अबोर्ड कहते हैं सोल वर्ल्ड। द क्रिश्चियंस कॉल इट द सुप्रीम अबोर्ड द सोल वर्ल्ड। भारत परम धाम कहते हैं। इट इज कॉल्ड परम धाम इन भारत। तो इतनी दूर से पराए देश में अपने बच्चों से आकर कहाँ मिलेंगे? सो वेर विल ही मीट हिज चिल्ड्रन आफ्टर कमिंग फ्रॉम सच अ फार ऑफ प्लेस टू एन एलियन वर्ल्ड। तो पराए देश में फिर पराए बच्चे होंगे। दुखदाई रावण के। देन देर विल बी एलियन चिल्ड्रन ऑफ द सोरो गिविंग रावण इन एन एलियन वर्ल्ड। रुलाने वाले
रावण कहा जाता है ना। द वन हु मेक्स पीपल क्राई इज कॉल्ड रावण, इजेंट ही? तो फिर रावण के बच्चे उनको फिर बहुत अच्छी तरह से समझाते। देन द चिल्ड्रन ऑफ रावण आर एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। इसलिए कहते हैं मिले न फूल तो को कांटों से दोस्ती कर ली, अच्छे से समझा लिए। दिस इज वाई इट इज सेड ही डिडंट फाइंड फ्लावर्स सो ही मेड फ्रेंड्स विद थॉर्न्स टू एक्सप्लेन देम वेल। तो बताओ मैं किसे में प्रवेश करता हूँ? सो टेल मी हुम डू आई एंटर? पतितम कामी काटे में ही प्रवेश करना पड़े। आई हैव टू एंटर द मोस्ट इम्प्योर लस्टफुल थॉर्न इटसेल्फ। फिर तो देखो अपना भी आए करके परिचय देते हैं। देन लुक ही कम्स एंड इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ टू। जिसमें प्रवेश करता हूँ द वन हुम आई एंटर, वो भी फिर अच्छी तरह से समझ करके औरों को समझाते हैं। He too understands well and explains to the others. कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में बाप ने प्रवेश किया, सुप्रीम सोल। The father, the supreme soul entered in the very end of the last birth of many births. तो देखो कितनी अच्छी समझानी है। सो लुक इट इज सच अ नाइस एक्सप्लेनेशन। और सामने ही देखते हो कि बरोबर ब्रह्मा और विष्णु, एंड यू सी राइट इन फ्रंट दैट सर्टनली ब्रह्मा एंड विष्णु। फिर तो बाप ने समझाया कि शंकर का कोई पार्ट नहीं। Then the father has explained, शंकर doesn't have any part. क्योंकि पार्ट तो कर्मियों से बजाया जाता है ना। It is because a part is played through the कर्मेंद्रिया, isn't it? तो उसका तो यादगार चित्र बने हुए। So his pictures are made as a यादगार। जो भी चित्र बने हुए हैं उनमें बहुधा करके याद के चित्र बने हुए हैं कि कर्म इंद्रियों से कर्म के चित्र बने हुए हैं। ऑल द पिक्चर्स विच हैव बीन मेड इन देम आर द पिक्चर्स ऑफ हिम सिटिंग इन रिमेम्बरेंस मेड जनरली और आर द पिक्चर्स मेड ऑफ द एक्शंस परफॉर्म्ड थ्रू द कर्मेंद्रिया। याद के चित्र बने हुए। द पिक्चर्स ऑफ हिम सिटिंग इन रिमेम्बरेंस हैव बीन मेड। इसलिए कहा कि शंकर का कर्म इंद्रियों से कोई पार्ट नहीं है। दिस इज वाई इट इज सेड शंकर डजंट हैव एनी पार्ट थ्रू द कर्मेंद्रिया। और नहीं इस दुनिया में आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाला कोई शंकर होता है। नीदर देर इज एनी शंकर इन दिस वर्ल्ड हु स्टेबिलाईज इन द सोल कॉन्शियस स्टेज। अगर होता भी है तो मन बुद्धि से सूक्ष्म मनन चिंतन की स्टेज में, जैसे कि इस दुनिया में होता ही नहीं। If at all there is someone, he is in the stage of subtle thinking and churning through the mind and the intellect, as if he isn't in this world at all. तो कहाँ जाएंगे? So where will he go? सूक्ष्म मनन चिंतन की दुनिया में रहता है। He lives in the world of subtle thinking and churning. ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में। In the thinking and churning of knowledge. और सूक्ष्म बतन में वहां नाग बलाए भूत प्रेत या बैल पर कोई सवारी थोड़े ही होती है। एंड देर aren't एनी स्नेक्स coiled, ghosts एंड spirits और अ राइड ऑन अ बुल इन द सटल वर्ल्ड। हाँ सूक्ष्म बतन का सिर्फ बच्चों को साक्षात्कार होता है। यस द चिल्ड्रन जस्ट हैव द विजन्स ऑफ द सटल वर्ल्ड।
कौन से बच्चों की बुद्धि में? इन द इंटेलेक्ट ऑफ विच चिल्ड्रन? जिनकी बुद्धि में अच्छे से गहराई से ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं. इन द इंटेलेक्ट ऑफ विच चिल्ड्रन? दोज इन हूज इंटेलेक्ट द नॉलेज डजंट सिट प्रॉपरली एंड डीपली. बच्चा बुद्धि है. हु हैव अ चाइल्ड लाइक इंटेलेक्ट? अभी देखो तुम है. एंड नाउ लुक इट इज यू. तुम बच्चे यहाँ है ना? You children are here, aren't you? है? तो जो तुम हो 67 में है इस ब्रह्मा मुख के सामने, तो तुम तो पवित्र नहीं हो. So you who were in front of Brahma in the year 1968, you aren't pure. और फरिश्तों को भी तो पवित्र कहते हैं. द एंजल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्योर. और जो इस दुनिया में पवित्र नहीं है उनको तो पतित कहते हैं. एंड दोज हु आरंट प्योर इन दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड इम्प्योर. फरिश्ते के बाद में फिर जाकर के देवता बनते हो. यू बिकम डेटीज आफ्टर बिकमिंग एंजल्स. तो करना पड़े इस फर्श की देहधारी दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं क्या? सो वॉट विल यू हैव टू डू? यू शुडंट हैव एनी रिलेशनशिप विद द बॉडीली बींग्स ऑफ दिस अर्थली वर्ल्ड. बट जब तक वो देह के संबंध याद आते हैं तो फरिश्ता कहेंगे नहीं कहेंगे. अंटिल यू रिमेम्बर दोज बॉडीली रिलेशनशिप्स विल यू बी कॉल्ड एन एंजल? You won't. तो जो बच्चे सूक्ष्म वतन में देखते हैं है, तो संपूर्ण देखते हैं. So those children who see the subtle world see complete. किसको? Who? उसको फिर कहा जाता है संपूर्ण फरिश्ता. That one is then called a complete angel. जिनका वालों से कोई रिश्ता नहीं. Those who don't have any relationship with the people of this world. अंग्रेजी में एंजल्स भी कहते हैं. They are also called angels in English. तो बाप इस मुकर्रर रथ में बैठ करके अभी समझाते हैं कब? सो द फादर सिट्स इन द परमानेंट चैरियट एंड एक्सप्लेन्स नाउ व्हेन? पुरुषोत्तम संगम युग में समझाते हैं. ही एक्सप्लेन्स इन द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज. नहीं तो समझाने सिर्फ एक अक्षर में समझाए देते हैं. अदरवाइज ही एक्सप्लेन्स इन जस्ट वन वर्ड. क्या? वॉट? अपनी आत्मा के पार्ट को आत्मा के स्वरूप को समझ करके है, मुझ बाप के प्रैक्टिकल पार्ट को याद करो. रिमेम्बर द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ मी द फादर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पार्ट ऑफ योर सोल एंड द फॉर्म ऑफ द सोल. गीता में इसके लिए क्या कहा है? वॉट हैज बीन सेड इन द गीता रिगार्डिंग दिस? क्षेत्र शरीर जिस मुकर रथ में बाप प्रवेश करते हैं, अर्जुन के रथ में प्रवेश करते हैं ना? क्षेत्र मीन्स द बॉडी द परमानेंट चैरियट हुम द फादर एंटर्स. ही एंटर्स द चैरियट ऑफ अर्जुन डजंट ही? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ. सो दैट क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ शरीर रूपी आता को जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले नंबर की आत्मा है उसको जानने वाली पहचानने वाली कौन? सुप्रीम सोल. द वन हु नोज एंड रिकॉग्नाइजेस दैट नॉलेजेबल पर्सन हु इज द नंबर वन सोल ऑन द स्टेज लाइक वर्ल्ड. हु? द सुप्रीम सोल. और कोई उसे पहचानता इस दुनिया में? Does anyone else recognize him in this world?
तो वो हुआ शिक्षक क्षेत्रज्ञ है। सो ही इज द क्षेत्रज्ञ। इन दो की पहचान गई तो समझ लो ज्ञान की पूरी समझानी मिल गई। इफ यू हैव द रिकॉग्निशन ऑफ दीज टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज। तो जो बच्चे में बहुत सयाने हो गए हो, क्योंकि समझाए तो सकते हैं। सो द चिल्ड्रन हु हैव बिकम वेरी वाइज इन नॉलेज बिकॉज दे कैन सर्टनली एक्सप्लेन टू अदर्स। और समझाना छोड़ते हैं। एंड व्हेन दे लीव एक्सप्लेनिंग। समझाना छोड़ करके फिर सिर्फ कहते हैं। They leave explaining and just say, तुमको वो अलफ, यू दैट अलफ, जो उर्दू में अलफ अक्षर होता है खड़ा हुआ। देर इज एन अल्फाबेट अलफ इन उर्दू, isn't there? अलफ means upright. खड़ा हुआ। Upright in what? पुरुषार्थ में आदि से लेकर के अंत तक खड़ा रहने वाला। द वन हु स्टेज अपराइट इन पुरुषार्थ फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। उसको पक्का पक्का समझ करके सीख करके याद करना है। यू शुड अंडरस्टैंड हिम फर्मली एंड रिमेम्बर हिम। क्योंकि अलफ माना ही बाप। इट इज बिकॉज अलफ इटसेल्फ मींस द फादर। उसे उर्दू में कहते हैं मुसलमान अल्लाह ऊंचे ते ऊंचा। द मुस्लिम्स कॉल हिम अल्लाह द हाईएस्ट ऑफ द हाई इन उर्दू। उनको कहते हैं सुप्रीम बाप जिसका कोई बाप नहीं। ही इज कॉल्ड द सुप्रीम फादर हु डजंट हैव एनी फादर। ये तो बच्चे समझ गए कि बाप से जरूर हेवन का जन्नत का स्वर्ग का वर्षा मिलता है। नाउ द चिल्ड्रन हैव अंडरस्टूड दिस दैट दे डेफिनेटली रिसीव द इनहेरिटेंस ऑफ हेवन फ्रॉम द फादर। कि वो एक ही बाप है। ही इज ओनली द वन फादर। ऐसे तो ढेर धर्म पिताएं इस रंगमंच पर आते हैं परंतु वो कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते। एज सच many religious fathers come to this stage like world but they don't establish heaven. करते हैं? Do they? No. वो तो इस दुनिया को और ही नरक बनाते हैं। They make this world into hell all the more. उनके आने के बाद ये दुनिया और ही गहरा नरक बनती जाती है। रौरव नरक बनती है कि स्वर्ग बनती है? है नरक। Does this world continue to become sheer hell all the more, a terrible hell after their arrival, or does it become heaven? It becomes hell. तो वो एक बाप कैसे आकर के स्वर्ग रचते हैं? हाँ, वो तुम बच्चों को समझाए। So, how that one father comes and establishes heaven, this has been explained to you children. और इसे बेहद की रूहानी यात्रा और ज्ञान से समझाया। एंड इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड थ्रू दिस अनलिमिटेड स्पिरिचुअल जर्नी एंड नॉलेज। उसे याद करो, एक को याद करो। रिमेम्बर दैट, रिमेम्बर द वन। 22 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। सेकेंड पेज ऑफ द मॉर्निंग क्लास डेटेड 22 जुलाई 1968। बच्चों को समझाया गया। द चिल्ड्रन हैव बीन एक्सप्लेन्ड। कि मीठे बच्चों,
भक्ति में ज्ञान नहीं होता है। स्वीट चिल्ड्रन, देयर इजंट नॉलेज इन भक्ति। वो अंधश्रद्धा युक्त भक्ति अलग बात। दैट भक्ति आउट ऑफ ब्लाइंड फेथ इज अ डिफरेंट थिंग। और श्रद्धा विश्वास से भरपूर ज्ञान बिल्कुल अलग है। एंड द नॉलेज फुल ऑफ फेथ एंड बिलीफ इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो समझ लेना चाहिए कि भक्ति बिल्कुल अलग है और ज्ञान सिर्फ सुप्रीम सोल बाप ही देते हैं। सो इट शुड बी अंडरस्टूड दैट भक्ति इज टोटली डिफरेंट एंड इट इज ओनली द सुप्रीम सोल फादर हु गिव्स नॉलेज। और देते किसको है? एंड हु डज ही गिव इट टू? है ब्राह्मणों को देते हैं। He gives it to the Brahmins. कौन से ब्राह्मणों को? Which Brahmins? चोटी के ब्राह्मणों को। The Brahmins with a choti, top knot, also means highest Brahmins. भक्ति मार्ग में वेदों को दिखाते हैं ना? They show the universal form in the path of bhakti, don't they? उसमें सबसे ऊपर क्या दिखाते हैं? What is shown on the very top of it? है? अ चोटी। और देखो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो भी चोटी का ब्राह्मण है ना? एंड लुक द परमानेंट चैरियट विच ही एंटर्स इज ऑल्सो ब्राह्मिन विद अ टॉप नॉट द हाइएस्ट ब्राह्मिन इजेंट ही। चोटी की यादगार कोई है इसी दुनिया में? इज देयर एनी यादगार ऑफ दैट चोटी इन दिस वर्ल्ड? क्या? वॉट? एवरेस्ट चोटी। वॉट? द एवरेस्ट पीक। इस स्थूल रूप में यादगार भी बनी हुई है उस। देयर इज ऑल्सो फिजिकल यादगार ऑफ इट। इससे ऊंची दुनिया में कोई भी ऊंची चोटी नहीं है। देयर इज नो अदर पीक हायर देन दैट, हायर देन इट इन द वर्ल्ड। तो बाबा ने समझाया ना, ये दुनिया एक चक्कर है सृष्टि रूपी। सो बाबा हैज एक्सप्लेन्ड हैजंट ही दिस वर्ल्ड इज अ साइकिल। जैसे वो चक्कर समझाया है तैसे ये भी चक्कर है। जस्ट एज दैट साइकिल हैज बीन एक्सप्लेन्ड दिस इज ऑल्सो अ साइकिल। एक चक्कर है 5000 वर्ष का। इट इज अ साइकिल ऑफ 5000 इयर्स। तो देखो इस चक्कर में अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम ब्राह्मण बच्चे हो ना? सो लुक इन दिस साइकिल नाउ यू आर ब्राह्मिन चिल्ड्रन इन दिस पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज आरंट यू? अभी ब्राह्मण हो फिर तुम बायजोली खेलेंगे। Now you are Brahmins, later you will play somersault, Baijoli. Baijoli में क्या क्या? What all will you become in somersault? सतयुग में देवता बनेंगे, त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे, द्वापर में विशेष वैश्य बनेंगे, कलयुग में शूद्र बनेंगे। You will become deities in the golden age, क्षत्रियाज in the silver age, Vicious Vaishyas in the Copper Age and Shudras in the Iron Age. फिर गुलाटी मार के एक सेकेंड में शूद्र से क्या बनेंगे? After that, what will you become in a second from a Shudra by doing a somersault? ब्राह्मण बने। You will become Brahmins. तो बच्ची बायजोली समझती है। सो डज द डॉटर अंडरस्टैंड समरसॉल्ट? वो बच्चे नहीं खेलते। शारीरिक बायजोली। दोज चिल्ड्रन डोंट प्ले द फिजिकल समरसॉल्ट। भक्ति मार्ग में जैसे बायजोली में मंदिर में
है, परिक्रमा लगाते हैं तो पहले पहले माथा रखेंगे नीचे। When they do circumambulation during somersaults in the temples in the path of bhakti, they first place their head down. फिर गुलाटी मार के माथा ऊपर। Then the somersault and the head comes up. तो बनेंगे पीछे देवता। So later they will become deities. फिर कहेंगे छत, फिर वैश्य, फिर शूद्र। Then the kshatriya, vaishya and shudras. ऐसे होता है ना? This happens, doesn't it? इसको ही कहा जाता है विराट स्वरूप, जो यहाँ बच्चों को चित्र में भी दिखलाया गया है। This itself is called the universal form, विराट रूप, which the children are shown in the pictures too. तो अभी विराट स्वरूप तो कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर को विराट स्वरूप नहीं कहा जाएगा। So now ब्रह्मा विष्णु शंकर won't be called the universal form. क्योंकि उन तीनों देवताओं में तो एक, तो उन सब में चोट ही नहीं है। It is because one thing is that all the three deities don't have a choti. और तीनों में, तीनों को ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे। And all the three won't be called Brahmins either. वो एक तो अधूरा है। कौन? One of them is incomplete. Who? अरे ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा। उसको याद करने के लिए बोला? Has it been said to remember him? उसका फोटो याद करना है, फोटो रखना है, नहीं? Should you remember his photo? Should you keep his photo? No. क्योंकि वो तो है अधूरा। It is because he is incomplete. चलिए, ये जो बच्चे उस ब्रह्मा को याद करते हैं, ये बेचारे कुछ नहीं जानते हैं। जानते हैं? नहीं। This is why these children who remember that Brahma, these poor ones don't know anything. Do they? No. नहीं जानते कि बाप कोई है, कोई ब्रह्मा के तन में आते हैं। They don't know that the father comes in the body of some Brahma. क्योंकि ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। It is because Brahma is the name of many. ब्रह्मा को संगठित मुख दिखाए जाते हैं ना? ब्रह्मा इज शोन टू हैव फेसेस इन अ कलेक्टिव फॉर्म, हैजंट ही? चतुरानन पंचानन कहते हैं ना? ही इज कॉल्ड चतुरानन द वन विथ फोर फेसेस, पंचानन द वन विथ फाइव फेसेस, इजंट ही? तो मुख इतने ब्रह्मा भी उतने ही हुए ना? सो व्हेन देयर आर दीज मेनी फेसेस देयर आर सो मेनी ब्रह्मास टू, आरंट देयर? जितने होंगे उतने शरीर भी होंगे कि नहीं? विल देयर बी एज मेनी बॉडीज एज द फेसेस और नॉट? यस। तो वो बेचारे नहीं जानते। सो दोज पुअर वंस डोंट नो। क्योंकि ब्राह्मण तो जरूर चाहिए और चोटी के ब्राह्मण चाहिए असल सूर्यवंशी बनने वाले। इट इज बिकॉज ब्राह्मिन्स आर सर्टनली रिक्वायर्ड एंड द हाईएस्ट ब्राह्मिन्स हु आर गोइंग टू बिकम ट्रू सूर्यवंशीज आर रिक्वायर्ड। क्योंकि इस दुनिया में ब्राह्मण कुल है सर्वोत्तम कुल। इट इज बिकॉज द ब्राह्मिन क्लैन इज द हाईएस्ट क्लैन इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि उन सर्वोत्तम कुल वाले सूर्यवंशी बच्चों को बाप आकर पढ़ाते हैं। इट इज बिकॉज द फादर कम्स एंड टीचेस दो सूर्यवंशी चिल्ड्रन ऑफ द हाईएस्ट क्लैन। ओम शांति। ओम शांति।